अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू संजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली संजानी। दो बहुत अहम ऐलानात। सबसे पहले कि इंशाल्लाह मार्च के महीना में मैं मौजूद हूँगा कराची में, पहली से लेकर 7 मार्च तक आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मुझे कराची में मिल सकेंगे। इसके अलावा हर महीने आप लोगों को इल्म है कि मैं रावलपिंडी में मौजूद होता हूँ 15, 16 और 17 हर माह की। आप लोग रावलपिंडी के गिरद नवा में हैं तो वहाँ पर भी मिल सकते हैं। दूसरा बहुत अहम ऐलान, ऐसे बहन भाई जो कि मंथली आईना किस्मत की पीडीएफ फाइल हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप लोग पीडीएफ फाइल हासिल करना चाहते हैं 12 इमामिया जंत्री या अलबिरूनी तकवीम की, तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस या हमारे उस नंबर के ऊपर जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके पीडीएफ फाइल्स फ्री में हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद इनवाला आल मोहम्मद शाह जंजानी, जंजानी टीवी से आपके कदम पे हाजिर प्रोग्राम में आज टूटे खोली दुआ का वक्त। आज 31 जनवरी और मंगल का दिन है और देखते ही देखते 2023 का महीना जनवरी इख्तिताम पजीर हुआ। परवरदिगार हम सब का मुकद्दर नेक फरमाए, ये मेरी दुआ है, एक सैयदजादे की दुआ है। आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि हमें भी अपनी दुआ में याद रखें और ये सैयदजादे की भी आपके लिए दुआ है। हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज जो टूदे कूड़ी दुआ के लिए मैंने अच्छे वक्त निकाले हैं, आज मंगल के दिन जो पहला वक्त है ये 5:15 से लेके 45 मिनट ये वक्त है करीब तरीब नमाज फजर नमाज शब का, और उसके बाद दूसरा वक्त है 12:45 से लेके 1:12 जोहर का वक्त करीब तरीन, और उसके बाद शाम 4:39 से लेके 5:09। ये तीनों वक्त मेरे नज़दीक इंतहाई कबूलियत दुआ के वक्त हैं। आज चूँकि मंगल है और मंगल का दिन एक सख्त दिन शुमार होता है, तमाम दुनिया के लोग ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इस पे बड़ी तवज्जो दी जाती है और बहुत सारा दान सत्कार दिए जाते हैं, और इस्लाम में तो परवरदिगार ने ख़ुद हमें सत्कार का हुक्म दिया है। सूरह तौबा की जो आयात हैं ये बेहतरीन सदका देने के लिए हैं, क्योंकि सदका परवरदिगार के हाथ पे जाता है, बेहतरीन अल्लाह ताला उसका अजर अदा करता है। हमारे मुल्क में भी मंगल को तमाम ज़बा खाने बंद होते हैं, ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान में मंगल को ज़बा खाने खोल दिए जाएँ, इससे यकीनन पाकिस्तान के हालात में बेहतरी होगी। ये बात मैं बरसा भर से अर्ज़ करता आ रहा हूँ, और बहुत सारे हमारे नादरीन और हमारे कारीन भी आईना किस्मत के इसे अब जान चुके हैं और मेरी बात को आगे कन्वे भी करते, मुझे खुशी होती है क्योंकि नेकी की एक क्षमा ऐसी है कि एक गोल चक्कर है दुनिया का, ये घूम के वापस आ जाती है। तो मैंने एक ट्रैवल कर रहा था तो किसी साहब ने जो मुझसे आशना नहीं थे तो उन्होंने मुझे जनाब ये बात बताई तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने फिर बाद में मैंने अपना उन्हें तारुफ कराया और बताया कि ये जो सिलसिला था मैंने ही शुरू किया था। क्या ही अच्छा हो, कुरान पाक की जो आयत है सूरह कौसर की, फजल रब्बे का मनहर, नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, ना मालूम हमारे हुक्मरानों को इससे क्या बैर। और ख़ास तौर पे हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उनसे मैं ज़रूर सवाल करूँगा कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को क्यों इजाज़त दे रखी है कि अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, और उन्होंने कुर्बानी इस मुल्क में रोकी हुई है। जहाँ सऊदी निज़ाम पे आजकल बड़ी उन्होंने शरीयत कोर्ट ने फैसले दे लिए, तो शरीयत कोर्ट से भी मैं इल्तिजा करूँगा कि इस पर भी तवज्जो दें। आज का जो इस्मे आज़म है, अल्लाह ताला का एक ज़ाती नाम है अल्लाह अकबर, जो हम सरनामा कलाम अजान का है, इसके नंबर है 289 अब्बल आखिर जला जला मरसदोशी, पढ़ के परवरदिगार का ये विर्द करें, अल्लाह पाक से दुआ करें इसमे आज़म की बरकत से यकीनन अपने हालात को आप बेहतर हो पाएँ, बेहतर होता हो पाएंगे। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, आज के लिए इतने शाह जानी को इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।